आखिर जिसका अंदेशा था वही हुआ। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया है। रूस ने यूक्रेन में मिसाइल से हमले शुरू कर यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया है। रूस ने राजधानी पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करने शुरू किए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद यूक्रेन में एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए हैं। सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को टाला नहीं जा सकता और अगर किसी ने इस मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हिदायत देते हुए कहा कि वो अपने हथियार डालें और घर जाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस समय क्या हुआ और यूक्रेन ने क्या किया। सुबह 9:45 यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस ने पूरी तरह से हमला करना शुरू कर दिया है। शांतिपूर्ण यूक्रेन पर रूस ने हमला कर अपनी आक्रामकता दिखाई है। यूक्रेन इसमें खुद की रक्षा करेगा और जीतेगा भी। सुबह 9:47 यूक्रेन की राजधानी कीव के बाद ओडिशा, खार्किव, डोनेत्स्क में कई बड़े धमाके सुनाई दिए। सुबह 9:50 बिगड़ते हालातों को देखकर कीव एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया। लोगों को सुरक्षा के साथ बाहर निकाला गया। सुबह 9:55 यूक्रेन ने रूसी सेना के घुसने के बीच मार्शल लॉ लगा दिया है। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा है कि जो कोई भी इस मामले में हस्तक्षेप करता है या कोशिश करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सभी को यह भलीभांति पता होना चाहिए कि रूस तत्काल प्रतिक्रिया करेगा। सुबह 10:00 यूक्रेन से भारतीयों की एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। यूक्रेन के सैनिक अड्डों को भी रूस ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने रूस के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो बाइडेन से फोन पर बात की है। इधर भारत का पूरा फोकस यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल वापस लाने पर है। यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन में हुए इस हमले से होने वाली मौतों का जिम्मेदार सिर्फ रूस को माना है। अमेरिका और उसके सहयोगी एकजुट होकर निर्णायक तरीके से जवाब देंगे। जो बाइडेन ने कहा है कि वो व्हाइट हाउस से निगरानी करेंगे। यूक्रेन सीमा पर बिगड़ते हालातों को देखकर कई एयरलाइंस ने उस इलाके को डू नॉट फ्लाई जोन में घोषित कर दिया है। ऐसा करने वालों की लिस्ट में यूरोपियन करियर भी शामिल है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।